दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक कहानी है, एक दास से सुल्तान बनने की कहानी, एक सूफी संत की भक्ति की कहानी और एक शासक के सरल जीवन दर्शन की कहानी। बाहरी रूप में यह मकबरा बेहद साधारण और सरल दिखता है, जो उस दौर की वास्तुकला की सादगी को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, आप इसकी सुंदरता और बारीक नक्काशी से चकित रह जाते हैं। मकबरे की दीवारें 7 फीट 5 इंच मोटी हैं। यह एक वर्गाकार संरचना है जिसका आकार 29 फीट 6 इंच है और ऊंचाई लगभग 28 फीट है। इसमें 3 दिशाओं में प्रवेश द्वार बने हैं, जबकि पश्चिमी दीवार जो मक्का की ओर मुख है के भीतर 3 नीचे बने हैं। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी दीवारों पर अरबी और फारसी लिपि में उकेरी गई जटिल कुरानी आयतें और फूल पत्तियों के नक्शे इस्लामी कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मकबरे के बीच में एक संगमरमर का स्मारक है जिसके नीचे असली कब्र स्थित है। सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एक महान शासक थे जिन्होंने 1210 से 1236 तक शासन किया। वे तुर्की मूल के थे और इलबारी कबीले से संबंध रखते थे। उनके पिता इस कबीले के प्रमुख थे। इल्तुतमिश के बचपन की कहानी अद्भुत है। उनकी सुंदरता, बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उनके भाइयों ने उनसे ईर्ष्या की और उन्हें एक दास व्यापारी को बेच दिया। बाद में उन्हें बुखारा के एक सम्मानित परिवार ने खरीदा। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में शासन ग्रहण किया। इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धि, राजनीतिक कौशल और सैनिक क्षमता के कारण सत्ता में अपना स्थान मजबूत किया। उन्होंने कई विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल बढ़ाया। उन्होंने मुद्रा सुधार किए, तुर्क अफगान शासकों की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बनाया। इल्तुतमिश का निधन 1236 में हुआ। उनकी पुत्री रजिया सुल्ताना उनके उत्तराधिकारी बनी। मकबरे की छत के अभाव को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि यह अधूरा रह गया, जबकि अन्य का मानना है कि यह संरचनात्मक कमजोरियों के कारण गिर गया होगा। इल्तुतमिश ने क्यों खुले आसमान के नीचे दफनाया जाना पसंद किया? शायद यह उनकी सरल जीवन शैली और सूफी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इल्तुतमिश एक धार्मिक व्यक्ति थे और सूफी संतों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उनके शासनकाल में दिल्ली सूफी संतों का प्रमुख केंद्र बन गई। इल्तुतमिश सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। असली में सुल्तान इल्तुतमिश ही वह शख्स थे जिन्होंने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंतिम संस्कार की नमाज का इमामत की जिम्मेदारी निभाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वही संत द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ये शर्तें थी, अल्लाहू अकबर के उद्घोषण के समय जमात में शामिल होना, मध्यरात्रि के बाद की अतिरिक्त नमाज कभी नहीं छोड़ी, सिर्फ अपनी पत्नी और करीबी रिश्तेदारों को देखा है, किसी अन्य महिला को नहीं, सुन्नत नमाज, असर नमाज से पहले की अतिरिक्त नमाज कभी नहीं छोड़ी। जब ये शर्तें सुनाई गईं, तो हर कोई चुप हो गया। हर कोई सोच रहा था कि कौन इस नमाज का इमाम होगा। तभी सुल्तान आगे आए और लोगों को उनकी पवित्रता का एहसास हुआ। यह मकबरा न केवल इल्तुतमिश की याद में बना एक स्मारक है, बल्कि ये दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर और सूफी परंपराओं की एक अमूल्य निशानी भी है।